ये इस प्रश्न को उठाते हैं। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को ₹8,000 में खरीदा गया, दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ, इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो पहले उठाते हैं वीसीआर को। तो वीसीआर का क्रय मूल्य, वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है? ₹8,000। और इसका हानि, इसको हानि 4% हुई, इसका हानि प्रतिशत कितना है? हानि कितना है? 4% हानि है। तो जब हानि हुई तो देख लेते हैं कितना घाटा हुआ, तो घाटा के लिए क्या करना है, बेचा कितने में है, तो इसका निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सीधे सीधे निकालने का क्या तरीका बताया था कि 100 में से जो हानि होती है उसको घटा देते हैं, हानि माने हानि प्रतिशत, घटाने के बाद 100 का इसी में भाग दे देते हैं और इस पूरे में से गुणा कर देते हैं क्रय मूल्य का। इससे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो शुरू करते हैं, 100 में से घाटा लगा है 4 का और ये रहा 100 और ये हमारा क्रय मूल्य कितना था? ₹8,000। ये ₹8,000, तो ये बन गया 100 में से 4 गया 96/100 और ये हो गया ₹8,000। एक शून्य दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये बन गया 0 8 6 48 की 8 8 9 72 और 72 4 76 ₹80 इसका विक्रय मूल्य निकला है। अब उसका भी निकाल लीजिए टीवी का, तो ये तो वीसीआर का था, अब यहीं पर निकाल ले इसी जगह पे, तो जिधर हमारा बच जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिए टीवी का क्रय मूल्य। टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है? टीवी का क्रय मूल्य है ₹8,000 और इसमें क्या होता है, 8% लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 8%। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, इसी सूत्र से निकलेगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 100 में से लाभ प्रतिशत को जोड़ देना। अब देखिए सूत्र तो एक ही बार दो बार पढ़ चुके, अब हम सीधे सीधे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं मतलब 100 में से 8 को जोड़ देते हैं, क्योंकि 8% को, और 100 का भाग दे देते हैं, इसी में 8,000 का गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार यहाँ प्रतिशत में घटाते हैं और लाभ में जोड़ते हैं। ठीक है जी, इसके आधार पर, ठीक है, तो थोड़ा जगह भी निकल आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा ये यहाँ पर इधर का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 108/100 और ये गुणे हैं 8,000। एक शून्य इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा इस शून्य से ये वाला शून्य, 8 8 64 तो पूरा पूरा हो जाएगा और 8 1 8। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए करना क्या है कि ये जब इतना निकल आया, इधर की जरूरत पड़ेगी जगह की, हाँ, अब जब ये दोनों का विक्रय मूल्य निकल आया तो अब बोल रहे हैं पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि हुआ। तो लाभ और हानि ज्ञात करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि कुल पैसा लगाया कितने, तो पहले लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, कुल या विक्रय मूल्य निकाला है तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले, कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य निकला था ये एक इधर वाला 7,680 और दूसरा निकाला था 8,640। कितना तो निकाला था, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 8 4 12 की 2 हासिल का 1, है ना, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 6 12 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1 और 8 8 16 16 320, ये विक्रय मूल्य निकला है। और कुल क्रय मूल्य भी निकाल लो, कुल क्रय मूल्य कितना है, 8,000 इधर का था कि वीसीआर का और ₹8,000 था टीवी का, इसका मतलब है 8 8 16,000 का खरीद का। ठीक है, अब दोनों में देख लीजिए क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है कि क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य।
मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पर हो गया लाभ। तो लाभ कितना हुआ निकाल लो, इसमें से इसको घटा दीजिए तो लाभ निकल आएगा। तो लाभ हो गया हमारा 16,320 में से 16,000 यदि हम घटा देते हैं तो आ जाता है 320 रुपए का लाभ। ठीक है, लेकिन पूछ कह रहे हैं लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग इस जगह में। तो लाभ का लाभ, क्योंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, और हानि होता तो हानि प्रतिशत निकाल लिखते। तो अब हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत, उधर जगह नहीं इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला इस तरफ आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ में क्रय मूल्य का भाग दे देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं, इससे प्रतिशत निकल आता है। तो लाभ कितना था देख लीजिए, 320, और क्रय मूल्य कुल कितना था, ये 16,000 रुपया, कितना 16,000 कितने में, 100 में, ठीक है, गुणा कर देने, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, दो दो चले गए, तीसरा इससे चलेगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 2% हमारा लाभ हुआ। समझ पा रहे हैं, लीजिए अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को लेते हैं। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये स्पष्ट है कि उसको क्या लेना है, एक जीन्स है जिसका रेट रखा हुआ है 1450 और दो शर्टें हैं जिनका रेट रखा हुआ है ₹850, ये अंकित मूल्य उसमें 1450 है, ये 850, और दोनों पर 10% का बट्टा है, यानी छूट है। अब ये बताना है कि कितना पैसा वो ग्राहक देगा। तो शुरू करते हैं कि पहले क्या है, जीन्स, तो जीन्स का अंकित मूल्य लिख लेते हैं, जीन्स का हल अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, जीन्स का अंकित मूल्य है ₹1450 और उस पर बट्टा दे रही है 10%। बट्टा कितना है, बट्टा है 10%। तो अब जो क्या निकाल लेंगे हम, जो निकाल लेंगे कि ये विक्रय मूल्य, बट्टे का क्या निकाल लेंगे हम, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चलो शुरू कर देते हैं। तो अब बस सीधे सीधे इसका जो है हम बट्टा निकाल लेते हैं, पहले बट्टा प्रतिशत में दिया, बट्टे का रेट निकाल लेते हैं। बट्टा कितना हो जाएगा, जो ये बट्टा है वो हो जाएगा 1450 का 10%, है ना। तो 1450 का 10% का मतलब हुआ 1450 गुणे 10/100, 101010, यानी 145 रुपए उसको कम देने, ठीक है ना, ये बट्टा रुपया। तो 1450 में से 145 घटा दी, अतः किसका, जीन्स का विक्रय मूल्य। तो जीन्स का विक्रय मूल्य यानी जो जो उसको पैसे देने हैं वो कितने देने पड़ेंगे, 1450 में से 145 घटा दीजिए तो आ जाएंगे जी 10 में से 5 गया 5, और ये बन गया 4, 4 में से 4 गया 0, अब ये आ गया 4 में से 1 गया 3, और 1305 रुपया इधर देंगे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है, ये तो जीन्स का हो गया, अब शर्टें हैं, शर्टें दो हैं, तो शर्टों का अंकित मूल्य, ठीक है, शर्टों का मूल्य, पहले शर्टों की कीमत, शर्टों, ये कमीज है, हाँ कमीज लिखा है तो कमीज लिख दीजिए, तो कमीज की कीमत है, दो कमीजों की कीमत, दो कमीजों का अंकित मूल्य, यही हो जाएगा ना, कीमत यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। तो दो पर कितना, एक पर 800 रुपये, 850 लिखा हुआ है और है हमारे पास दो, तो कितना हो जाएगा,
तो 2 00 2 5 10 2 8 16 17 1700 रुपये तो उसका रेट हुआ। अभी इस पर भी निकाल लीजिए, इस पर भी क्या करना है, इस पर भी बट्टा लगाना है। बट्टा लगा देते हैं 10%, इस पर भी ये बट्टा है 10%, तो बट्टा कितना आया वो निकाल लेते हैं। ये तो प्रतिशत में आया, सो बट्टा आया 1700 का 10%, अर्थात 1700 रुपए में 10 का गुणा करके 100 का भाग दे दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये सर ये आ गया 170 रुपए। यानी कि अब इस रेट में 170 घटा दीजिए, यहां पर कर देते हैं, तो जो कमीज की कीमत थी तो ये क्या निकल आएगा हमारा, ये जीन्स का विक्रय मूल्य निकल आएगा। अब ये इसकी वजह से कमीजों का निकाल लीजिए, तो कमीजों का विक्रय मूल्य, कमीजों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये 1700 जो था इसमें 170 रुपए, तो उसको छूट मिल गई। देख लीजिए कितना बचा, 1 0 से 1 0 कटा, 10 में से 7 गया 3, और ये बना 6, 6 में से 1 गया 5, और 1, यानी 1530 रुपये शर्ट का देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो लिखो ग्राहक को भुगतान देना पड़ेगा, ग्राहक को कुल भुगतान करना होगा कितना। एक तो ये जो निकला था जीन्स के पैसे का, जीन्स के पैसे का ये आया था 1305 रुपया, और शर्ट का आ गया 1530 रुपया। इसका मतलब ये हो गया 5 में से 1 0 जुड़ा 5, और इधर आया 3, और 5 3 8, और 1 1 2 2835 रुपया का कुल भुगतान करना पड़ेगा। ये रहा हमारा छठवां, सातवां लेते हैं, चलिए इस प्रश्न को लेते हैं, सातवां नंबर। एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को ₹20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी दो भैंसे हैं उसने 20,000 रुपए के हिसाब से बेचा है। एक भैंस पर उसको 5% का लाभ हुआ है, दूसरे पर उसको 10% की हानि हुई है। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि, तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले ऐसा लिख लीजिए, भैंस का क्रय मूल्य, एक भैंस का जो चूंकि बेचा है, बेच रहा, का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये, ये हो गया। और लाभ होता है इसमें, इसमें लाभ होता है 5%। तो अभी हमें सबसे पहले ये एक चीज यहाँ पर समझ लेना चाहिए, जो विक्रय मूल्य का सूत्र हम लोगों ने क्या किया था, ऐसा पढ़ा था कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 में से जितना लाभ या हानि है उसको जोड़ देते थे, और फिर 100 का भाग देते थे, इधर क्या करते थे, क्रय मूल्य का गुणा कर देते थे, क्रय मूल्य का गुणा कर देते थे, यही तो करते थे। अब हमको क्रय मूल्य चाहना है, तो ये क्रय मूल्य इधर कर दीजिए, तो इधर चला जाएगा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र कैसे निकाला जाता है। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इधर बचा लीजिए, ये सब इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इधर आके ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और ये ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 100 धन लाभ प्रतिशत, या जो भी लाभ है प्रतिशत में, और गुणे किस, ये इधर चला के इसका इसमें विक्रय मूल्य का गुणा हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा सूत्र। तो अब जो ये सूत्र लगाते थे यही सूत्र ही है, पर हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, भैंसों को बेच रहा है तो अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अब हम क्रय मूल्य का सूत्र यानी ये वाला इसी का परिवर्तन पक्षांतर करके ये क्रय मूल्य निकालेंगे, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, पर इस पर काम करते हैं, तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाता है और नीचे कितना जाता है, 100 धन, चूंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, 100 धन लाभ जो भी है प्रतिशत में दिया है तो लाभ प्रतिशत लिख दो, और किसमें का निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये समझ पा रहे हैं। अब इसको सूत्र समझ में आ गया कैसे आया, अब इसको हटा देते हैं।
ये हमारा सूत्र निकल आया, अब हमारे को काम शुरू कर देना है। तो शुरू कर दीजिए। तो क्रय मूल्य यहाँ थोड़ा सा पीछे लेते हैं, 100 की जगह 100 आ जाएगा, और ये 100 तो ये पहले पुराना वाला है, लाभ कितना हो रहा था इस सर, इसको 5%, और ये बेच कितने में रहा था, 20,000 में, ये लो जी 20,000। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 और नीचे बन जाएगा 105 और ये गुणे 20,000, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4 से 2 और लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 बटे 105। अभी इसको काटपीट नहीं करते हैं। तो ये पहली भैंस का आ गया, ठीक है ना। दूसरी भैंस का भी निकाल लो लगे हाथ में। तो दूसरी भैंस का क्या है, दूसरी भैंस में क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है, दूसरी भैंस में हानि, तो दूसरी भैंस में हानि, दूसरी भैंस में हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। अब वो हुआ है 10%, और क्रय विक्रय मूल्य उतना ही है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अभी भी 20,000 रुपया है। तो फिर तरीका यही है, ये यहाँ पर लाभ की जगह हानि हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए इसमें जो है घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है तो मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हानि हो रही है, हानि में क्या करेंगे, सूत्र तो यही है, ठीक है जी। अब इसमें लाभ की जगह सीधे हम हानि रख देते हैं, तो क्या करेंगे, 100 में से 100 इधर जोड़ेंगे और हानि जो है 10% ही घटा देते हैं, बस कुछ वही सारे नियम वही हैं। और गुणे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है 20,000, तो ये हम सीधे सीधे कर देते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बार तो बना ही लिया सूत्र, अब हमको पुटअप करते चलना है। तो ये दूसरी भैंस हमने लिखी दी है यहाँ पर, तो शुरू करते हैं, इसका भी मान निकाल लेते हैं। ये बच ऊपर 100 में से 10 गया तो बने 90, और ये हो गया 20,000। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, अभी ये इसी रूप में रखना है, ठीक है। तो 4 0 ये 2 0 इधर, तो 6 0 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 90। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे है, हमको गुणा करने में आसानी रहे। अब हम आगे यहाँ से थोड़ा सा इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया हमारा सौदा, इस सौदे में कुल लाभ अथवा हानि हुई, तो देख लेते हैं कल कुल लाभ या हानि ज्ञात करने का क्या है। जितने में हमें हमने खरीदा था पहले वो निकाल लेते हैं, तो कुल खरीदा था, कुल क्रय मूल्य कितना है, तो हमारा आ जाएगा कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना, इन दोनों को जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 और 1 में 105 था, और दूसरे वाले में 2 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें कितना था, 90 था। अब देख रहे ये इसलिए निकाल रहे थे, यहाँ पर हमें आसानी हो जाती है, तो शुरू करते हैं। हाँ ये ले लीजिए, अब क्या कि इन दोनों में से 20,000 ये अलग है, तो इसको जो है हम कॉमन ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1,000, 10,000, 1,00,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 हो गया। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/105 और इधर बचेगा 1/90। अब इनका गुणा कर लीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए, तो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 20,00,000, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये बन जाएगा 90 और धन 105 ऊपर आ जाएगा, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, यानी 105 × 90। अब आगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 के साथ, ये बन गया ये हो गया 5, ये गुणा का चिन्ह लगाइए, और ये कितना आ जाएगा 5 और ये हो गया 9, ये 5 ये 9 और ये 1, 195। और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 0 से 0, 9 × 45 और 9 × 1 = 9, 9,450 रुपया और 195 × 45। अब एक काम करेंगे, इसका अगर आप आसानी से गुणा भाग कर लेंगे ना, तो कितना आएगा मैं वो लिखे देता हूँ, गुणा भाग करके आसानी से निकाला जा सकता है। तो 412.69 आएगा, इसको हल करके देख लेंगे आप,
ये मैं आपसे छोड़ता हूँ, ठीक है? कि काटना भर है, काट के भाग दे देना, इतना आता है। अब जब इतना ये आ गया है, ये हमारा कुल क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना था? देखिए जी, 20,000 रुपये में, तो कुल विक्रय मूल्य भी निकाल लो। कुल विक्रय मूल्य कैसे था? एक भैंस 20,000 की बेची थी और दूसरी भी 20,000 की बेची थी, तो यानी कुल था 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए बेचा था और खरीदा कितना था उसने? 41,269 रुपए का। तो जाहिर है कि खरीदा ज्यादा पैसे में और बेचा कम पैसे में, तो क्या होगा? घाटा होगा। इसका मतलब ये गया कि विक्रय मूल्य कम है किससे? क्रय मूल्य से। जब ऐसा है तो क्या होता है? हानि होती है। तो हानि के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है, ठीक है जी? जो भी बड़ा उससे छोटा घटा दे तो हानि हो जाएगा। सो हानि बराबर हो जाएगा ये जो जितना खरीदा था, यानी कि 41,269,84 में से ये घटा दीजिए 40,000, तो बन जाएंगे ये 40-40 खत्म जाएंगे 12,69.84 रुपए की ये हानि हुई। प्रतिशत में तो पूछ नहीं रहा है, तो ये हमारा हानि इतना रुपए में हो गया, ठीक है? लेते हैं अगला, 8वां नंबर। अब इस प्रश्न को लेते हैं, 8वां प्रश्न। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं, तो टेलीविजन का मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पर। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपया, और विक्री कर वसूला जाता है 12% की दर से। तो लिख लीजिए विक्री कर कितना है? 12%। तो कितना विक्री कर देगा ये? तो विक्री कर का रेट निकाल लीजिए, तो विक्री कर का रेट निकालने मतलब कुल विक्री कर कितना हुए, तो 10% में दिया है, तो विक्री कर आ जाएगा कितने रुपए में? 13,000 का। ये 13,000 का 12%, ठीक है जी? तो 13,000 का में तेका का मतलब होता है गुणा, तो 12/100, 101,010, इनका गुणा कर दीजिए, तो 130×12 कितना आ गया? 100, यहाँ 130×12, अर्थात गुणा करेंगे तो 12,000, और 12×3=36, और 12×1=12, 3×15, 1560 रुपये। तो उसका जो 12% की दर से वो रेट आ गया 1560 रुपया। अब वो कितना पैसा देगा? तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, तो विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? 13,000 में ये और जोड़ दीजिए, इतना कुल पैसा देगा। तो विनोद द्वारा लिख देते हैं, विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? 13,000, तो ये पहले से था, और ये 1560 रुपया, और उसका बिक्री कर लग गया, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 0, और इधर 6, इधर 5, और इधर 3 और 1 4 और 1, यानी 14,000। 13,000 की चीज को वह 14,560 रुपया देके खरीदेगा। लेते हैं 9वां नंबर। अब इस 9वें नंबर को लेते हैं कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहियेदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जी, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य अभी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य यानी जो टैग उस पर लगा हुआ था वो उसका रेट थे ये। तो माना अंकित मूल्य एक्स रुपए, या ऐसा लिखिए रुपए एक्स है, ठीक है? और कितना है बट्टा? बट्टा कितना है? 20%। और जो है बट्टा कितना है? बट्टा है 20%। तो क्या निकाल लेंगे? उसके द्वारा
ये जो इसका अंकित मूल्य का पर बट्टा निकाल लेंगे, तो बट्टा की राशि, बट्टा राशि निकालना किसमें, अंकित मूल्य पर, किसमें नहीं, एक्स का बट्टा राशि क्या जाएगा, एक्स का 20%। एक्स का 20% का मतलब हो गया है एक्स गुणे 20/100, 1 2 1 2, 2 5 10, यानी x/5 आ गया। ठीक है जी, ये तो बट्टा राशि निकल आई। अब जो क्या करना है कि भुगतान कितना किया है, 1600 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य ये क्या कहलाता है, भुगतान जो किया जाता है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य में से क्या किया जाता है, अंकित जो मूल्य होता है उसमें से यदि बट्टा राशि यानी बट्टा को घटा देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट पैसा निकल आता है। अब विक्रय मूल्य यानी कि जो उसने टैग मतलब बेचा है हमको, कितने में बेचा है, 1600 रुपये में। और अंकित मूल्य कितना था ये हमें पता नहीं था, तो अंकित मूल्य अभी हमारे ने मान रखा था एक्स, और बट्टा अभी अभी निकला है x/5। ठीक है ना, तो इसको हल कर लीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, हो जाएगा 5, तो ये 1 5 5, ये बन जाएगा 4x, यानी 1 5 5x यानी 5x बन जाएगा, और में से 1x इधर घट जाएंगे, इधर जाएंगे 1600। इसको पूरा इधर ले जाइए, इसको पूरा इधर ले जाइए तो आसानी हो जाएगी। तो 5x में से 1x घट गया, तो 4x/5 बराबर 1600। पक्षांतर कर लिया है, कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं किए। अब x का मान निकालने के लिए क्या करिए, इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x बराबर ये 1600 और ये 5 ऊपर, नीचे आ जाएगा 4 का, 4 1 4, 4 4 16 अर्थात 400। तो 400 में 5 का गुणा अर्थात 4 5 20, यानी वो जो रेट था वो था 2000 रुपया, जो उसमें पर्ची चिपकी हुई थी वो कितने की चिपकी हुई थी, 2000 रुपये की, और यही अंकित मूल्य कहलाया, जिसमें उसने 20% बट्टा दिया, यानी कि 400 रुपया काटने के बाद 1600 रुपये का सामान बटा। समझ पा रहे होंगे, लेते हैं अगला सवाल। हाँ, इसको लेते हैं 10वां। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित ₹5400 में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या कीजिए। तो इसी को मान लेते हैं कि माना, हल लिख लीजिए कि वैट जोड़ने से पहले मूल्य, माना वैट, वैट एक टैक्स से बताया था ना आपको, वैट जोड़ने से पहले का मूल्य ₹x है। ठीक है, ये ₹x है, ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस पर क्या करता, 8% वैट लगता है, तो 8% वैट, 8% वैट, VAT, तो 8% वैट लगा दिए, तो x का 8%, यानी कि हो गया 8x/8/100, यानी कि इसका मतलब हो गया, ये बन गया 8x/100, ये बन गया क्या हो गया, वैट की कीमत आ गई। अब ये कह रहे हैं कि वैट लगा के उसका रेट है 5400, तो वैट लगने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, वैट लगने के बाद मूल्य, देखो वैट लगने के बाद कितना हो जाएगा, एक्स तो उसका हमने उसकी कीमत मानी थी, और वैट लगा था 8x/100, तो इसको हल कर लीजिए तो कितना जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 100x, और इधर बन जाएगा 8x, इसका मतलब ये हो गया 108x/100, ये तो ये निकल आया। अब इसका मूल्य कितना है, 5400, ये कह रहे हैं ये 5400 है, तो इसका क्या कर लेंगे, इधर इसका भी तिरेक गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 108x, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5400 में से 100 का गुणा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5400 में से 100, और इधर आके 108 का गुणा भाग हो जाएगा। तो जी काट पीट कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 4 8, इसको काटिए,
दो से तो हाँ इसको ना काटिए अभी, 54,100 तो ये पूरा पूरे दो से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और 0। अब ये देखिए 54 और ये सीधा सीधा, तो ये गुणा कर दीजिए, 54 × 1 = 54 तो ये 100 बार कट गया, और 100 का 50 में गुणा कर दीजिए तो हो गया 5,000 रुपया। यानी वो कितना था, वो रेट था उसका वैट के लगाने के, उसका जोड़ने, वैट जोड़ने से पहले कितना था, 5,000 रुपये, और वैट के बाद हो गया था 400 रुपया। लेते हैं अब अगला सवाल 11वां। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना जीएसटी से पूर्व, जीएसटी लगने से पूर्व, लगने से पूर्व मूल्य कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, तो जीएसटी के बाद कितना हो जाएगा, 18% जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 118। ये तो हो जाएगा जीएसटी के बाद का मूल्य। अब क्या करना है कि अब इसको हल कर लीजिए कि जब 118 रुपये किसका है, वस्तु का मूल्य है, 118 रुपये वस्तु, जब 118 रुपये जीएसटी के बाद मूल्य, जीएसटी के बाद मूल्य है, तब वास्तविक मूल्य, तब वास्तविक वास्तविक मूल्य कितना था, अभी हमने 100 रुपये माना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एक पर निकाल लीजिए, एक पर क्या आ जाएगा, एक पर हो जाता है 100 बटे 118, और जीएसटी के बाद उसका रेट कितना दिया हुआ है, जब ये रेट हो जाएगा 1239 रुपया तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा 100 में 1239 का गुणा करके 118 का भाग दे दीजिए, तो गुणा कर काट पीट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 = 0। इससे इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा 21 बार जाता है, किनारे भाग देख देख लेंगे तो पूरा पूरा 21 बार जाता है, तो ये बचा नीचे 50 और गुणे 21, तो इसका गुणा कर लीजिए, तो 5 ये 0 आ गया, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, यानी 1,050 रुपये उसका मूल्य था जीएसटी के बाद, जो कि 18% करने के बाद 1239 हो गया है, तो हमारा जो है वास्तविक मूल्य था कितना, 1,050। मिलते हैं अगले वीडियो में।